नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जदयू में काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से एक बड़ी खबर आई है जहां जदयू पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। जी, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक राम सेवक सिंह को अगला प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है जदयू पार्टी का। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कल जदयू पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और बैठक से पहले ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि इस पद को वशिष्ठ नारायण सिंह संभाल रहे थे, लेकिन अब नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। बता दें कि बीते दिनों वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त होने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि तब नीतीश कुमार की पहल पर उन्होंने अपना फैसला टाल दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जदयू के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद अब नीतीश कुमार ने पार्टी को नई दिशा में मजबूत करने के लिए अब यह कदम उठाया, यानी प्रदेश अध्यक्ष भी बदला गया है। माना जा रहा है कि नीतीश के इस फैसले से जदयू मजबूत होगी। सत्ताधारी दल में लपकुस की जोड़ी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद जदयू को काफी फायदा होगा। तो बड़ा गेम खेला है नीतीश कुमार ने, कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये पहल की है उन्होंने। तो चलिए आपको बताते हैं कि राम सेवक सिंह कौन है और वो कहाँ के रहने वाले। जी, आपको बता दें कि बिहार के हथुआ से 4 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए राम सेवक सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं। हथुआ विधानसभा कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। राम सेवक सिंह की गिनती आमतौर पर कम बोलने वाले नेताओं में होती है। साफ सुथरी छवि के नेता होने के बावजूद उनके ऊपर हथुआ थाना में अपने विधानसभा क्षेत्र के एक युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप है। इस मामले में वो जेल भी जा चुके हैं। आपको बता दें कि चकागांव प्रखंड के असनंद टोला गांव के रहने वाले रामसेवक पूर्व में आपको बता दें कि चकागांव प्रखंड के असनंद टोला गांव के रहने वाले हैं रामसेवक, और वो पहले बसलेड़ा पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं। तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जदयू पार्टी की तरफ से। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया है। उनकी ताजपोशी होनी बाकी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।